अक्सर देखा जाता था कि कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज होते थे और न्यायालय में काफ़ी समय तक पीड़ित परिवारों के लोगों को और पीड़ित को चक्कर काटना पड़ता था। दसियों वर्ष बीत जाते तो उन्हें न्याय नहीं मिलता था। लेकिन इस बार जालौन से न्यायालय प्रक्रिया में जो कार्रवाई हुई है वह वाकई में लोगों को राहत देने वाली है, क्योंकि कुछ माह में ही एक आरोपी को सज़ा मिली है। 25 साल की सज़ा सुनाई गई है। मामला ये था कि एक 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक युवक ने एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और उसे जान से मारने का प्रयास भी किया था। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार जुड़े हुए हैं। देवेश जी, क्या था ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्रकरण जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर विगत 12 फरवरी 2021 को लगभग 7 माह पहले एक 5 साल की मासूम के साथ दुराचार। अच्छा देवेश जी, किस जज ने ये फैसला सुनाया है और क्या क्या सजा मिली है इस आरोपी को? जिस पूरे प्रकरण को लेकर विशेष न्यायाधीश पास्को विजय बहादुर जी की न्यायालय ने कल इस पर अपना फैसला सुनाया है और आरोपी जो कल्लू नाम का एक व्यक्ति है उसको 25 साल की सजा और 70,000 रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया है। अच्छा, क्या था ये पूरा घटनाक्रम और इस कार्यवाही के बाद क्या संदेश जाएगा समाज में? जी निश्चित तौर पर एक संदेश जाता है समाज में कि अपराधी चाहे कितना भी जो है वो ताकतवर हो या चालाक हो, कानून के शिकंजे से बचने वाला नहीं है। और जिस तरीके से मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस मासूम को टॉफी देने के बहाने घर पर बुलाया गया और टीवी दिखाने और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही एक प्रयास और किया गया था, तो बताया गया उसमें जो तहरीर दी थी परिजनों द्वारा, उसमें एक मेंशन किया गया था कि बालिका को भूसे के ढेर में रखकर जलाने की भी कोशिश की गई थी। मतलब ये जघन्य अपराध की जो है सजा सुनाई गई है। जो विशेष जज पास्को हैं विजय बहादुर सिंह जिला सत्र न्यायालय से, उन्होंने ये अपना फैसला दिया है, 7 महीने के रिकॉर्ड समय फैसला दिया है। तो निश्चित तौर पर समाज में एक संदेश गया है कि ऐसे अपराधियों की अब खैर नहीं होने वाली है। अच्छा देवेश जी, क्या आपकी सरकारी वकील से बात हुई है, तो क्या कहना था उनका? जी निश्चित, इस पर हमने जब स्टैंडिंग काउंसलर लखन लाल निरंजन जी से बात की तो उनका कहना ये था कि ऐसे मामलों को इस समय सरकार के शासनादेश के अनुसार जो है बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और खासकर महिलाओं से जुड़े मामले हों या नाबालिग बच्चों से जुड़े मामले हों या मासूम से जुड़े मामले हों, जो भी मामले हैं इसमें कोर्ट खुद पहल कर रही है। अच्छा देवेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल जो जालौन पुलिस है और ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक भी पहल करते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल, जनपद जालौन के जो पूर्व के पुलिस अधीक्षक रहे डॉक्टर सतीश कुमार जी, उनकी याद ताज़ा हो गई है इसमें, क्योंकि सतीश कुमार जी एक ऐसे पुलिस अधीक्षक जालौन में रहे हैं जो ऐसे मामलों को, जो महिलाओं से जुड़े मामले थे या मासूम बच्चों के दुराचार से जुड़े जो मामले होते थे उनका वो खुद पैरवी करते थे। खुद जो कोर्ट मुहर्रर होता था उसको अपने यहाँ बुलाते थे, उससे संबंधित मामले की डिस्कशन करते थे और उसमें जो प्रोवाइडिंग मटेरियल है यानी कि जो अदालत में जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको वो उपलब्ध खुद कराते थे, खुद इसकी मॉनिटरिंग करते थे। तो निश्चित तौर पर अपराधियों में एक संदेश था कि अगर हमने कुछ अपराध किया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अच्छा देवेश जी, इस प्रकरण के बाद और जो कार्रवाई हुई है इसके बाद पीड़ित जो पीड़ित परिजन हैं उनके बीच किस तरह का माहौल है, क्या वो संतुष्ट है इस कार्रवाई से? जी निश्चित तौर पर परिजनों ने राहत की सांस ली है और उनके मन में कहीं ना कहीं एक कानून के प्रति आदर और भाव की भावना भी जगी है कि कानून आज भी जिंदा है यहाँ इस देश में, इस अपने उत्तर प्रदेश में, इस जनपद जालौन में। निश्चित तौर पर उनको जब न्याय मिला है, आरोपी को जब सजा मिली है। अच्छा इसमें जज साहब ने, माननीय न्यायाधीश ने जो अर्थ दंड लगाया है उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, इस समय संबंध में जब हमने स्टैंडिंग काउंसलर लखनलाल रंजन से बात की तो उनका कहना यह था कि जो अर्थदंड लगाया गया है 70,000 रुपये का, वो उनके जो पीड़िता है मासूम बच्ची है उनके परिजनों को दिया जाएगा और निश्चित तौर पर एक संदेश अपने आप में जाता है कि अपराधी अब बचने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार जो इस खबर से जुड़ी हुई पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज पीके। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.